अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेनों के बाद भारतीय रेलवे अब हाइड्रोजन ट्रेन बनाने में जुटा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करने का लक्ष्य है। बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में समीक्षा बैठक के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी ने इस संबंध में जानकारी दी। हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नॉर्दर्न रेलवे ने दे दिया है और उस पर कार्य चल रहा है। पहली बार डेवलप हो रही है तो न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके लिए कोई बहुत हम लोग स्ट्रिक्ट टाइमलाइन लेने के बजाय उस कार्य को पूरा करने का उद्देश्य है हमारा। हमारा उद्देश्य है कि इसी वित्तीय वर्ष में उसके ट्रायल्स प्रारंभ हो। हाइड्रोजन ट्रेन नए जमाने की हरित ईंधन से चलने वाली ट्रेन होगी जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम होगा। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होगा जब हम हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे। बट विश्व भर में ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे ही है। ये टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगी और उसको जैसे जैसे हम सीखेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। हाइड्रोजन ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई तकनीक है और दुनिया भर में इस पर काम चल रहा है।